कारगिल की लड़ाई में इजराइल ने हमें वो लेजर लाइट वो दिया था जो इस पे से मारना है, बॉम्ब भी दिया था। इतना मशीनें तेज हो गई हैं, पहाड़ है। यहाँ क्या छुपा हुआ है? दुश्मन। आपको हमला करना है। इसका यूज सेना में बहुत ज्यादा होता है। लेजर बहुत खतरनाक चीज हो गया यहाँ पे। अब इस लेजर का यूज क्या है? लेजर किरणें में बहुत ज्यादा, एक सिंगल रहती तो नहीं है, बहुत ज्यादा लेजर की किरणें होती हैं और वो भी हाई एम्पलीफिकेशन पे रहती हैं और कई एक साथ आती हैं, यानी स्टिमुलेटेड रहती है। इसका यूज सेना में बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान के चलिए पहाड़ी एरिया है, यहाँ पहाड़ है, ठीक है। अब यहाँ कोई दुश्मन छुपा हुआ है, यहाँ क्या छुपा हुआ है? दुश्मन। अब आपको हमला करना है। अब आपके पास यहाँ जहाज है, जहाज इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है? इधर भेजते हैं इसको। अरे हाँ चला गया अब इधर, हाँ इधर है। अब बताइए वो करा मार पाएगा? हाँ कैसे मारेगा? उसको नहीं मार पाएगा यहाँ पे ना। तब इसको क्या करेगा ना, एक आदमी को भेजेगा, एक आदमी, वो चोरी छुपे जाएगा घास पत्ता ओढ़ के, समझा गया? कैमोफ्लाज कहते हैं इसको। चोरी छुपे जाएगा आदमी कहीं पे भी, इधर कहीं पहाड़ वहाड़ में छुप के बैठ जाएगा। छुप के क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। और एक लेजर लाइट रखे रहेगा, समझा गया? वो लेजर लाइट इसके ऊपर मार देगा। वो क्या मारेगा? लेजर। अब लेजर लाइट जब टकराएगी तो लेजर लाइट बिखरेगी। अब वो नॉर्मल दिखता नहीं है। अब हमारे ऊपर कोई छोटा सा लेजर लाइट मारा है, कहाँ से पता चलने वाला है? अगर दिख भी रहा है तो कैसे पता चलेगा कहाँ से मारा है? और जो मिलिट्री को दिया जाता है, हाई रेंज का दिया जाता है। अब जैसे यहाँ लेजर लाइट मारेगा, यहाँ लेजर लाइट बिखर जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? लेजर लाइट बिखर जाएगा, समझ में क्या? अब बस काम खत्म। ये बोल देगा उसको वॉकी टॉकी पर, अल्फा टू चार्ली, लेजर लाइट डेजिग्नेटेड, बता देगा लेजर लाइट डेजिग्नेटेड हो गया। अब इधर से आएगा जहाज, ये तो पाटपुर्जा में है जी, ये तो पाटे पुर्जा खुल गया, इसका दूसरा बनाना पड़ेगा, एक के पार्ट में बनाना होगा। किसमें बनाना पड़ेगा? जहाज आ गया। अब ये एक के पार्ट में बनेगा, अब ये जाएगा यहां से, अब ये यहां से जाएगा और यहां से गिराएगा लेजर गाइडेड बॉम्ब। मिसाइल थोड़े, मिसाइल सीधे बॉम्ब, लेजर गाइडेड बॉम्ब। अब वो लेजर गाइडेड बॉम्ब अनहरा होता है, क्या होता है? अनहरा। उसको गिरा दीजिएगा तो अनहरा आ जाएगा। अब खाली वो एक चीज देख सकता है, लेजर किधर है, लेजर लाइट किधर है, लेजर लाइट किधर है, आप बताओ लेजर लाइट किधर है? इधर है, चल आएगा इधर। इसी बम को कहते हैं लेजर गाइडेड बम, समझ में आ गया? 1999 के कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी ऐसे ऐसे जगह पे छुपे थे सब कि जहाज से दिख ही नहीं पाते थे सब, जहाज तेज जाती है देखो, दिख नहीं पाते थे सब। तब अगर दिख भी जाते थे तो निशाना लगाना बड़ा मुश्किल था, उतनी हाई स्पीड में मारेंगे कैसे यहाँ पे? तब परेशान हो गया आदमी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय इजराइल को कहे थे कि आपके पास एक टेक्नोलॉजी है लेजर गाइडेड, हमको जरा दे दीजिए। तो इजराइल ने हमें वो लेजर लाइट वो दिया था जो इस पे से मारना है, और बॉम्ब भी दिया था और ट्रेनिंग भी दिया था कि भाई उसका भी एक रेंज है, इना कि मारना दिल्ली है, गिरा दिए पटना में, कह दिए सूंघ के चल जाइए लेजर लाइट। अरे उसका एक रेंज है कि नहीं है जी, कहीं मार देंगे। तो लेजर गाइडेड मिसाइल भी होती हैं, अगर सामने है तो लेजर गाइडेड मिसाइल, ड्रॉप करना इसे तो लेजर गाइडेड बम। अब उस सूंघ के क्या चल जाएगा? लेजर लाइट। कहां लेजर लाइट दिख रहा है, समझा गया? लेकिन अगर ये बैला लेजर लाइट वा बंद कर दिया तो वो कह देगा ना जी तो जो, अब वो देख ही नहीं पाएगा। तो जब भी लेजर गाइडेड आता है ना, ठीक है, अब देखिए चोर पुलिस का खेल चलता है। अब इस पे भी ऐसा सिस्टम लगा दिया गया है ना, ये तो बकलोल होगा नहीं, ये भी अपना लगाया होगा लेजर सेंसर। जैसे इसके ऊपर लेजर आएगा ना, तुरंत लेजर सेंसर लगा देगा। क्या लगा देगा? लेजर सेंसर लगा देगा कि ले सोचो हमरा पे कोनो लेजर लाइट को डेजिग्नेट किया है, मतलब हम पे कौन लगा रहा है लेजर लाइट, या इससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन एकरा सूंघ के कोई ना कोई आएगा। बस ये कुछ ना कुछ काउंटर मेजर करेगा कि नहीं, कि कहेगा कि ना मार लो, आके मार लो, हाँ मार लो, हाँ। तो इहो क्या करेगा ना, 20-25 को हाई पावर का लेजर लाइट रहता है, जहां तहां मारने लगेगा, जग 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 एन्ने उन्ने, समझा गया? इधर उधर मारने लगेगा। अब लेजर बमवा गिरेगा ना, यार इतने तो खूब ज्यादा पूरा बारात ऐसा भीड़ है क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो दोनों में क्या चल रहा है? चोर सिपाही का खेल चल रहा।
लेजर लाइट समझ में आ गया? लेजर कटिंग वाली कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कंफ्यूज हो जाएगा लेजर लाइट बम, जहां मन वहां गिर जाएगा। हां नहीं नहीं लेजर लाइट बम इसमें कहां गया जी? बम मिटा दिया। हां आ जाएगा, टेक्नोलॉजी का यही फायदा है, सब याद रख ले रहता है। इस कंडीशन में जब काउंटर मेजर कर देगा ना, तो लेजर गाइडेड बम कंफ्यूज हो जाएंगे। तब उसके बचने के लिए लेजर गाइडेड की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है, फिक्स फ्रीक्वेंसी, समझा कि नहीं, कि इसी फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है। और अगर वो काउंटर मेजर करेगा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगा। जैसे मान के चलिए हमारा जो डेजिग्नेटर यहां गया था, उसने लेजर की फ्रीक्वेंसी डाली, मान के चलिए 1500 10.4, इसने काउंटर मेजर कर दिया 1600 फ्रीक्वेंसी पे, इसने क्या डाल दिया काउंटर मेजर। अब कंफ्यूज होगा वो नहीं, लेकिन अगर इसने काउंटर मेजर भी डाल दिया 15.4, तब कंफ्यूज। इतना मशीनें तेज हो गई हैं कि यहां जो दुश्मन बैठा है, जैसे लेजर डेजिग्नेशन करते हैं ना, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाती है। अच्छा इतना है, इतने का काउंटर मेजर ले लो,